फ्रेंड्स दिस इज सुरेश कुमार देवांगन पीजीटी इंग्लिश केंद्रीय विद्यालय खरगोन फ्रेंड्स मेनी ऑफ आर पीजीटी फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ प्रिंसिपल इन केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय एंड यूपीएससी आई एम ऑल्सो वन देम। आई टॉक्ट मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स एंड आई कंसल्टेड newly recruited principals and senior principals also all of them advised me only one thing that a participant should read the books that is shown on the screen you can see ccs cca rules by swami conduct rules pension compliance medical attendance rule frsr and general pension rules friends बहुत कम समय में इतनी मोटी किताबों को पढ़ना पॉसिबल नहीं है हमारे कुछ साथी इसे और गलत समझते हैं स्वामी हैंडबुक पढ़ते हैं एक्चुअली स्वामी हैंडबुक आपको तब काम आएगी जब आप प्रिंसिपल बन जाएंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रिंसिपल मोस्ट आर स्वामी क्वेश्चन और इन किताबों को पढ़ने से भी ये डिटेल्ड स्टडी है इनके साथ में एक बुकलेट आती है मोस्ट ऑथेंटिक देस अच्छा पहले मैं अपनी बात पूरी करूं यदि आप इन किताबों को खरीदना चाहते हैं ये एड्रेस है यूनिवर्सल बुक कंपनी प्रयागराज मोबाइल नंबर भी मेंशन है आप यहां से ऑर्डर करके इन किताबों को बुला सकते हैं तो मैं इस वीडियो में क्या करने वाला हूं व्हाट आई एम गोइंग टू डू लेट मी टेल यू डियर फ्रेंड्स एक छोटा सा प्रयास है मैंने एक टॉपिक उठाया है सीसीएस रूल्स और कंडक्ट रूल्स देर आर टू हंड्रेड एमसीक्यूज पब्लिश बाई स्वामी एंड आप दस साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए आपको इसमें से टेन क्वेश्चन आएंगे ये कंफर्म है सीसीएस रूल के भी और कंडक्ट रूल के भी मैं टू हंड्रेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं चार पार्ट में पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर एंड आई गारंटी यू टेन क्वेश्चन विल बी देयर आप पिछले पांच साल के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए और इन दो सौ क्वेश्चन में से सीरीज में से चेक कर लीजिए यू विल फाइंड द क्वेश्चन एज इट इज so friends this is an attempt i hope you will provide me your valuable suggestions so without wasting time what I, I will do is we'll discuss the question i'll tell you the right answers and if explanation is needed i will do it as well your suggestions i will wait for it so let us begin with so this is what i am going to discuss swami's discipline rules made objective मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड दिस दिस बुकलेट यू विल गेट फ्री विथ टू बुक्स आज हम जितने क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उनका पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा उनके आंसर्स भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगा तो आपको वो मिल जाएंगे ये पूरी बुकलेट की लैंग्वेज है प्रिफ्रेंस दिया हुआ है इसे फिलहाल हमारा कोई तारतम्य नहीं है हम सीधे आते हैं क्वेश्चन पे

आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ हु इज डिफाइंड एज गवर्नमेंट सर्वेंट किसे गवर्नमेंट सर्वेंट माना जाएगा अ अ मेंबर ऑफ सर्विस हु होल्ड्स सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन हु इज टेम्परेली प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का इंप्लाई जो स्टेट गवर्नमेंट में टेम्परेली पोस्टेड है डेप्यूटेशन पे है यस yes? उसे हम इम्प्लाई मानेंगे ए मेंबर ऑफ सर्विस हु होल्ड्स अ सिविल पोस्ट अंडर स्टेट गवर्नमेंट हु इज टेम्परली प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट उसे भी हम मानेंगे अ पर्सन इन सर्विस ऑफ अ लोकल आर अदर अथॉरिटी टेम्परली प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हम उसे भी मानेंगे सो द राइट आंसर इज ऑल द अब ये दो क्वेश्चन हो गए तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रॉम फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है मैंने क्वेश्चन पेपर का जो स्टडी किया है मैंने पाया है ये क्वेश्चन जनरली होता है दो तीन दूसरे रूप से घुमाकर पूछा जाता है एंड द राइट आंसर इज सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट वर्किंग इन अ डिफेंस सर्विसेस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए फ्रॉम द फॉलोइंग सीसीएच सीसीए रूल 1965 सिक्सटी फाइव इज एप्लीकेबल टू आपको बहुत अच्छे से पता है ऑल मेंबर ऑफ ऑल इंडियन सर्विसेस पे लागू नहीं होता रेलवे सर्वेंट पे लागू नहीं होता और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट एजेंट ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट इनपे लागू नहीं होता ये लागू होता है सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट वर्किंग इन द डिफेंस सर्विसेस क्वेश्चन नंबर फोर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पोस्ट आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेवंथ सीपीसी सेवंथ सीपीसी से पहले कुछ और था आपको मालूम है क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से पूछा गया है आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेवंथ सीपीसी सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पोस्ट आर क्लासीफाइड इंटू हाउ मेनी कैटेगरी एंड द राइट आंसर इज थ्री थ्री कैटेगरीज आर देयर ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी now name the level to which a government servant belongs to if uh, name the level to which a government servant belongs to if he was appointed to a central civil post carrying the great pay of 46 rupees in the scale of yeah, 9300 9 to 34800 in pay band 2 आपको मालूम है ये हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय संगठन में नवोदय विद्यालय संगठन में ये टीजीटी की ग्रेड पे है और जो टीजीटीज अपॉइंटेड होंगे वो कौन से लेवल में कहलाएंगे इट्स वेरी क्लियर एवरीबडी नोज लेवल सेवन इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं मैं फिर से क्लियर कर दू फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है दीज क्वेश्चन आर गिवन बाई स्वामी स्वामीज बुक एंड दैट बुक इज कंसिडर्ड द मोस्ट ऑथेंटिक मैंने पहले भी बताया अभी भी बताता हूं सभी प्रिंसिपल्स जो बन चुके हैं जो अभी अभी बने हैं उन सबका सजेशन था ये एमसीक्यूज कीजिए ये पूरी बुकलेट कवर करते हैं या यू कह लीजिए आपने पूरी बुक पढ़ी उसका निचोड़ ये है एमसीक्यूज के फॉर्म में आप अपने नोट्स बना सकते हैं उनके क्लेरिफिकेशन लिख सकते हैं और इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं नेम द अथॉरिटी फॉर अपॉइंटमेंट टू ग्रुप ए ग्रुप ए को कौन अपॉइंट करता है सर्विसेज एंड पोस्ट ऑफ द यूनियन विदाउट डेलीगेटिंग एनी अदर अथॉरिटीन आई रीड द क्वेश्चन फॉर यू नेम द अथॉरिटी फॉर अपॉइंटमेंट टू ग्रुप ए सर्विसेज एंड पोस्ट ऑफ द यूनियन विदाउट डेलीगेटिंग एनी अदर अथॉरिटीज क्वेश्चन पढ़ने के बाद में दो से तीन मिनट का दो से तीन सेकंड का ब्रेक इसलिए दे रहा हूं या पॉज इसलिए दे रहा हूं कि यदि आपको आंसर मालूम है तो आप मन में सोच लीजिए ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स अगर ग्रुप ए है तो इट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर आगे बढ़ते हैं नेम द अथॉरिटी फॉर अपॉइंटमेंट टू ग्रुप बी सी एंड डी पोस्ट ऑफ द यूनियन ग्रुप ए प्रेसिडेंट हो चुका है ग्रुप बी सी डी को कौन अपॉइंट करते हैं इट इज ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी इट इज डन बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय संगठन में नवोदय विद्यालय संगठन में डेप्यूटी कमिश्नर इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो हम यहां पे डिजिग्नेशन की बात नहीं कर रहे वी विल कॉल देम अपॉइंटिंग अथॉरिटी सस्पेंशन सस्पेंशन से क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स आपने देखे होंगे क्वेश्चन पेपर यू आर नॉट अ नोवाइस आप सभी जानते हैं कई प्रकार की स्टडी मटेरियल आपने पढ़ा है कई प्रकार के विडियोज आपने देखे हैं देन यू मस्ट हैव फाउंड दैट सस्पेंशन ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स चार ऑप्शन दिए हुए हैं चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए मैं चारों ऑप्शन पढ़ के वीडियो की लेंथ को बढ़ाना नहीं चाहता हूं यू हैव टाइम इनफ टू रीड एंड द करेक्ट आंसर इज इट इज टेम्पररी विथ ड्रॉल ऑफ ड्यूटीज सस्पेंशन क्या है इट इज नॉट रिमूवल ऑफ ड्यूटी इट इज टेम्परली विथड्रॉल ऑफ द ड्यूटीज क्वेश्चन नंबर नाइन एन अपॉइंटिंग अथॉरिटी में नॉट प्लेस अ गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन वेयर अपॉइंटिंग अथॉरिटी किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंशन में नहीं रख पाएंगे वेयर कौन सी ऐसी कंडीशन है जब उसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता अडिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम इज कंटेप्लेटेड आर पेंडिंग तब तो डेफिनेटली सस्पेंड किया जा सकता है उस व्यक्ति को प्रोजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट डेफिनेटली ऐसे केसेस में सस्पेंड किया जा सकते हैं तो ये आंसर आपका नहीं है ये आंसर आपका नहीं है अ केस अगेंस्ट द गवमेंट सर्वेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस इज अंडर ट्रायल यदि ऐसा होता है तब तो डेफिनेटली उसे सस्पेंड किया जा सकता है अ गवर्नमेंट सर्वेंट हेज सुपीरियर अथॉरिटी ये हालांकि नहीं होना चाहिए लेकिन एटलीस्ट इस केस में डायरेक्टली सस्पेंशन ना होके ही कैन बी गिवन एडवाइजरी कैन बी गिवन मेमो और अदर डिसिप्लिनरी एक्शन मे बी टेकन अगेंस्ट हिम बट सस्पेंशन विल नॉट बी डन इन दिस केस आई होप इट इज वेरी क्लियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दस की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रॉम द फॉलोविंग सरकमटांसेज अंडर विच कैन अ गवर्नमेंट सर्वेंट बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन अब ये वो कंडीशन थी चार कंडीशन की किस के, किस सस्पेंड किया जा सकता ऑलमोस्ट जो हमने पहले पढ़ा उसी वही आंसर है फैर से देखिए फॉर अटेंडिंग ऑफिस लेट क्या इस बात के लिए उसे सस्पेंड किया जाएगा फिर से पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन को

नंबर अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर डीम्ड टू हैव मीन्स अज्यूम्ड उसे मान लिया जाएगा प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन इफ ही इज डिटेन्ड इन कस्टडी फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग कितने घंटे से ज्यादा यदि उसे कस्टडी में रखा जाता है पुलिस के अभिरक्षा में रखा जाता है तो उसे सस्पेंड माना जाएगा लेटरबाजी हुई है कि नहीं हुई सस्पेंशन ऑर्डर निकला है नहीं लेकिन हम उसे सस्पेंड मान लेंगे यदि वो 48 घंटे या 48 घंटे से अधिक का समय जेल के विरक्षा में रहते हैं इफ ही इज डिटेन इन द कस्टडी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 48 एट आवर्स इस आंसर को याद रखेंगे ऐसे प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं ये 48 घंटे कितने दिन कितने महीने यही सब सीसीए सीसीए रूल के अंतर्गत आते हैं जो हमें ध्यान रखना है नेम द अथॉरिटी कंपिटेंट टू प्लेस अ गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन ऐसा नहीं कि कोई भी आपको सस्पेंड कर सके उसके लिए भी एक अथॉरिटी अपॉइंटेड है तो कौन सी अथॉरिटी कर सकते अपॉइंटिंग अथॉरिटी या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कैन प्लेस यू अंडर सस्पेंशन इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू इंक्वायरी अथॉरिटी जो होते हैं वो आपकी इंक्वायरी करेंगे ये तो बात का विषय है लिव सेंक्शनिंग अथॉरिटी कोई और हो सकता है आपके जो इमीजिएट बॉस हैं वो लीव सेंशनिंग अथॉरिटी है बट इज नॉट द अथॉरिटी टू सस्पेंड यू ही कैन रिकमेंड सस्पेंशन फॉर यू बट ही कैन नॉट सस्पेंड यू सब ऑर्डिनेट अथॉरिटी ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट सस्पेंड यू यू नो इट वेल सो द करेक्ट आंसर इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी आर डिसिप्लिनरी अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज ऑल्सो नोन एज डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्वेश्चन नंबर थर्टीन गवर्नमेंट सर्वेंट शेल बी डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन पहले भी एक क्वेश्चन आया था एट आवर्स अड़तालीस घंटे यदि जेल के भी रक्षा में रखा जाता है तो इसे suspend माना जाएगा. फिर से वैसा ही एक प्रश्न है चार ऑप्शन दिए गए हैं चारों ऑप्शन को अलग तरीके से दिए गए अब ध्यान से आप एक बार पढ़िए क्वेश्चन को विथ effect from the date of his detention if he is detained in custody jis din se use jail mein rakha jayega us din se with effect from the date of his conviction jis din us par charge lag gaya if he is sentenced to a term of imprisonment exceeding 48 hours 48 hours ke baad यदि उसको uh, imprisonment होता है तो इस डेट से मानेंगे इस डेट से मानेंगे the right answer is both a and

उस दिन से अ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्ससीडिंग 48 आवर्स तो ये आंसर करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 14 वेयर अ पेनाल्टी ऑफ कंपलसरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस इंपोज्ड अपॉन अ गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन इज सेट असाइड इन अपील क्वेश्चन को इत्मीनान से समझने की जरूरत है वेयर

और समझने वाला प्रश्न है आई होप आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ कंपल्सरी उसे कंपल्सरी रिटायरमेंट का ऑर्डर दिया गया है उस डेट को विथ इफेक्ट माना जाएगा दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन लेट एस सी वंस अगेन वेयर अ पेनाल्टी ऑफ कंपल्सरी रिटायर पेनाल्टी दिया गया उसे सस्पेंशन था सस्पेंशन का डिसीजन आ गया और उस डिसीजन में यह दिया गया कि इन्हें कंपलसरी रिटायरमेंट दिया जाए फिर उन्होंने अपील किया अपील में उस निर्णय को खारिज कर दिया गया अब प्रश्न ये है द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन इज टू बी कंटिन्यू कंपल्सरी रिटायरमेंट को तो हटा दिया गया सेटा साइड कर दिया गया लेकिन द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन इज टू बी कंटिन्यू इफ सो फ्रॉम विच डेट इट विल बी इफेक्टेड फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट उस डेट से उन्हें सस्पेंडेड माना जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पंद्रह की ओर क्वेश्चन नंबर ऑफ सस्पेंशन मेडीम्ड टू हैम एक बार सस्पेंशन का ऑर्डर आ गया क्या उसे रिवोक किया जा सकता है सबको पता है यस yes, उसे रिवोक किया जा सकता है प्रश्न है बाई हुम किसके द्वारा किया जा सकता है एंड द करेक्ट आंसर इज एन अथॉरिटी कम्पिटेंट टू इशू सस्पेंशन ऑर्डर वही अथॉरिटी रिवोक कर सकता है जिसे सस्पेंड करने का अधिकार है सस्पेंड करने का अधिकार किसे है अभी हमने क्वेश्चन नंबर तेरह पे पढ़ा था अपॉइंटिंग अथॉरिटी को या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को जो हमारे यहाँ डिप्यू कमिश्नर होते हैं तो वही आपके सस्पेंशन को रिवोक कर सकते हैं यहां तक कि वो सस्पेंशन को मोडिफाई भी कर सकते हैं ई होप इट इज वेरी क्लियर ये सारी चीजें हम जानते हैं लेकिन क्वेश्चन आंसर के रूप में जब हमको आता है तो वी नीड टू पे अटेंशन डियर फ्रेंड्स टूडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू ट्वेंटी क्वेश्चन आज हम केवल बीस क्वेश्चन करेंगे कल से वीडियो की लेंथ बढ़ाएंगे और फिफ्टी क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे आई प्रोमिस यू फ्रेंड्स एंड आई वी वेटिंग फॉर योर वेल्यूबल कमेंट्स इफ यू थिंक आई एम डूइंग वेल आर वी शुड गो अहेड विथ दैट यदि आप साथ देते हैं आप भी तैयारी शुरू कर देते हैं तो यकीन मानिए मैं प्रतिदिन इस तरीके के वीडियो के साथ आता रहूंगा और हम इसी प्रकार से तैयारी करते रहेंगे पीरियड अप टू विच एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन कैन बी रिव्यूड उस पीरियड का नाम बताइए जब तक सस्पेंशन के ऑर्डर को रिव्यू किया जा सकता है फ्रेंड्स प्रैक्टिकली चीजें याद नहीं रहती है अभ्यास की आवश्यकता होती है क्योंकि सेम डेट्स लगभग आते रहते हैं तो आप किसी एक केस को रिमेम्बर कीजिए एक केस को याद कर लीजिए आपके कोई साथी या दूर के कोई फ्रेंड से किसी स्कूल में किसी टीचर के साथ यदि कोई ऐसा हादसा हुआ है आप उसे याद कीजिए और उसके साथ कब कब क्या क्या हुआ उसे रि रिवाइज या रिवाइव करने की कोशिश कीजिए थिंग्स विल बी इजियर फॉर यू क्वेश्चन है मैंशन द पीरियड अप टू विच एंड ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन कैन बी रिव्यूड एंड द करेक्ट आंसर इज बिफोर एक्सपायरी ऑफ नाइन्टी डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ सस्पेंशन तीन महीने के भीतर या ऑन द एक्सपायरी ऑफ थ्री मंथ उस ऑर्डर को रिव्यू करना ही पड़ेगा या तो उसे रिवोक करना पड़ेगा या सस्पेंशन को आगे बढ़ाना होगा मेंशन द पीरियड अप टू विच एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन कैन बी रिव्यू रिव्यू करेंगे तो रिव्यू में ये निकल सकता कि भाई अब इसका सस्पेंशन खत्म कर दो या फिर इसके सस्पेंशन को आगे बढ़ा दिया जाए या इसे रिवोक कर दिया जाए डिसिप्लिनरी एक्शन चलता रहेगा वट एवर इट इज बट इट हैजू बी रिव्यूव विद इन नाइन्टी डेज बिफोर द एक्सपायर विद इन नाइन्टी डेज कह लीजिए या बिफोर एक्सपायरी ऑफ नाइन्टी डेज कह लीजिए when will an order of suspension made or deemed to have been made not be valid unless extended उसे valid कब नहीं माना जाएगा अगर कितने दिन extend हो गया है तब उसे valid नहीं माना जाएगा मैंने अभी बोला after a period of 90 days 90 days में उस उ, उस order को review करना ही पड़ेगा यदि उसे review नहीं किया गया तो automatically उस order को क्या माना जाएगा नल एंड हो जाएगा वेन एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड आर डीम टू हैव बीन मेड नॉट बी वैलिड अंडर एक्सटेंडेड यदि उसे एक्सटेंड नहीं किया गया तो वो ऑर्डर वैलिड नहीं होगा मतलब उसका सस्पेंशन ऑटोमेटिकली खत्म माना जाएगा वही 90 डेज का पीरियड है उसके दो क्वेश्चन है इन दोनों क्वेश्चन में काफी समानता है देर इज देर आर सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज टू क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इफ एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन में फ्रेंड्स एक बात मैं बता दू ये सीसीएस कंडक्ट रूल और डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत ये सारे क्वेश्चन हैं तो अभी हमारे सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सस्पेंशन की ओर चल रहे हैं यदि आप इसे ध्यान से पढ़ते हैं मैं फिर से कहता हूं आपको आई एम हियर टू गिव यू सम मटेरियल आर टू टॉक टू यू टू डिस्कस विथ यू ऑन सम फैक्ट बेसिस आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइए दैट इज अवेलेबल इन इंटरनेट और आप चेक कीजिए ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं तो क्यों ना हम अपनी प्रिपरेशन को वैसी ही दिशा दें क्वेश्चन नंबर एटीन इफ एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड आर डीम टू हैव बीन मेड इज नॉट रिव्यूड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज कैन इट बी वैलिड अब भी, भी पढ़ा था हमने यदि नाइन्टी डेज में उसे रिव्यू नहीं किया जाता तो क्या वो ऑर्डर वैलिड होगा हमारे बहुत सारे साथी आंसर दे सकते हैं नहीं वो वैलिड नहीं होगा देखिए क्वेश्चन नंबर वही था ये आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ नाइनटी डेज इट विल नॉट बी वैलिड एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है तो यदि हमें फैक्ट याद है तो वी कैन आंसर इट इन एनी वे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे वट इज मैक्सिमम पीरियड ऑफ सस्पेंशन दैट कैन बी एक्सटेंडेड एट अ टाइम आफ्टर रिव्यू ऑफ द कॉम्पिटेंट

Six months. I hope it is very clear, friends. One eighty days के लिए ही उसे extend किया जा सकता है. And the last question of the day, within the meeting of, uh, sorry, within the meaning of rule eleven, which of the following does not amount to a penalty? अभी rule eleven क्या है? Rule fourteen क्या है? Rule sixteen क्या है? आप उस बुक में पढ़ सकते हैं. सीसीएस सीसीए कंडक्ट रूल्स में यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर के रूप में चर्चा करेंगे जब जब ये रूल आते रहेंगे मैं आपको इसका डिटेल बताता रहूंगा फिलहाल हम क्वेश्चन को देखते हैं विद इन द मीनिंग ऑफ रूल इलेवन विच ऑफ द फॉलोविंग डज नॉट अमाउंट टू अ पेनाल्टी रूल इलेवन पेनाल्टी का रूल है अंडर रूल इलेवन ऑल द पेनाल्टीज आर इम्पोज वेदर माइनर और मेजर उसको बाद में और क्लासिफाई करेंगे तो कौन सा ऐसा है इन चार में से ऑप्शन जिसे हम पेनाल्टी नहीं मानेंगे कुछ चीजें हैं जो इंपोज की जाती है बट दे दे आर नॉट काउंटेड अंडर पेनाल्टी और आपका प्रश्न वही है यहां पे स्टॉपेज ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट एट अ इफिशियंसी बार इसे पेनाल्टी नहीं माना जाएगा कंपल्सरी रिटायरमेंट एक पेनाल्टी है विथ होल्डिंग ऑफ एन इंक्रीमेंट एक पेनाल्टी है विथ होल्डिंग ऑफ प्रमोशन एक पेनाल्टी है बट स्टॉपेज ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट एट बार इज नॉट काउंटेड एज पेनाल्टी फ्रेंड्स आप सभी समझदार हैं डिडक्टिव मेथड से भी आप आगे बढ़ सकते हैं यदि आपको क्लियर कट आंसर नहीं मालूम है लेकिन ये मालूम है कि हाँ ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है देन दिस इज द आंसर